हेलो एवरीवन, तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कर लिया था। अब हम करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह का कॉन्सेप्ट दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्होंने क्या बताया था हम ये देखेंगे। तो पॉलिंग ने हमें क्या बताया था कि मान लीजिए ए ए और बी बी मिलकर कोई ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी क्या होगी, वुड बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ए ए एंड बी बी बॉन्ड्स, राइट। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, ई ए बी इक्वल्स टू, तो कुछ इस तरह से हम उसको राइट करेंगे, राइट। और ज्योमेट्रिक मीन हमको पता है कि अगर तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, राइट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो एक और बात इसके अंदर आती है कि अगर दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, मतलब के टेंडेंसीज़ हैं पार्टिसिपेट करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो दोनों की अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी, टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी वर्डिंग में हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होंगी, राइट। तो अब हम बात करेंगे डेल्टा ई की। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई क्या है, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। तो ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू, तो डेल्टा ई हमारे पास इक्वल होता है ई ए बी माइनस ई ए ए प्लस ई बी रेज टू पावर इन टू ई बी रेज टू पावर 1/2। मतलब ज्योमेट्रिक मीन वाली जो ए बी की एनर्जी है उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, राइट। तो एक और रिलेशनशिप है हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.18 डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं मूलिकन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इसके अंदर क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एटम की वो किसके इक्वल होगी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी बाय 2, राइट। तो नेक्स्ट, तो एक और हमारे पास रिलेशनशिप है पॉलिंग और मूलिकन के कॉन्सेप्ट के बीच में, ये भी हमको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट स्केल है वो है अलर्ट एंड रचल्स स्केल। तो इसका क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। हमें पता है कि जेड जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और आर जो है वो हमारा वो है मेन, जो आर है वो है मेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस।